उठाए। सारी जिंदगी शोहरत अपने साथ बहुत इम्तिहान लाती है, बड़े बड़े बोझ उठाए, बाप चाचे ताए बाबों के जनाजे उठाए, और बेटे का जनाजा उठाते मेरी कमर टूट गई है। मैं तुम्हें बाहर से जिंदा नजर आ रहा हूँ, मैं अंदर से एक मुर्दा लाश, मेरा अंदर खाली है, लेकिन मुझे जीना है। जब तक मेरे रब ने मेरे लिए जीना लिखा है, मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाना है। जब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी का आखिरी सांस लिखा है, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं। कभी इंशाअल्लाह किसे से जवान पुत्र न मरण। बजाय इसके कि मेरे गम में शरीक होते, ये छोटे छोटे मुफ्तियों ने फतवे देने शुरू कर दिए। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, फिका समझ को कहते हैं। शामी पढ़ी है, समझ कोई नहीं है। हिदाया पढ़ी है, फिका कोई नहीं है, समझ कोई नहीं है कि इस जख्मे दिल पे मरहम रखना है या नमक छिड़कना है। आपस के तासुब ने, देवबंदी बरेलवी झगड़ों ने दीन की शक्ल बिगाड़ के रख दी। जिन चीजों का ना आखरत से ताल्लुक है ना दुनिया से, उस पे मुनाजरे, झगड़े, फतवे। यहां हमारे बच्चे दहरी हो रहे हैं, मुलहिद हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं। लड़के लड़के आपस में शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में शादियां कर रही हैं, और ये नमाज जनाजा के बाद दुआ क्यों करवाई, और ख़त्म कुरान क्यों करवाया, कुरान खानी क्यों करवाई। और पूरे पाकिस्तान में कुरान खानी करना, कुरान मिल के बैठ के पढ़ना मना हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक ज़ख्मी बाप हूँ, इससे पागलपन में कुछ जुमले मैं बोल गया हूँ, लेकिन क्या करूं। जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। अखलाक सीखो, इंसानियत सीखो, किताबें पढ़ने से नहीं इल्म आता, इल्म और चीज है, तो नेकों की सोहबत से आता है, अहलुल्ला की सोहबत से आता है। अल्लाह की कसम, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, वो सब कुछ उसका सब कुछ, जो किया उसने किया, जो दिया उसने, देता भी वो है लेता भी। इसलिए हर हाल में शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। अल्लाह किसी को जवान बेटे की मौत न दिखा। 20 दिन हो गए मेरे आंसू नहीं रुके। मेरा बाप फौत हुआ, एक हफ्ते के बाद मेरे आंसू खत्म। मेरी माँ फौत हुई, एक हफ्ते के बाद मेरे आंसू खत्म। लेकिन आज उसको दुनिया से गए 20 दिन हो गए, और मेरा जख्म है कि रिश्ते ही जा रहा, रिश्ते ही जा रहा। और उस पे नमक छिड़कने वालों को बस अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता हूँ, अपना जख्म आपको दिखाया है ताकि आप ये न कर, आपसे ये गलती ना हो। दीन के नाम पर बेदीनी कर रहे, नियत करते हो ना 3 दिन लगाओगे इंशाल्लाह, और एक दूसरे को माफ भी करोगे।